कमल कैक्टस। अगर आधार कार्ड ना हो तो दिल्ली में जॉब कर रहे होंगे तो दे देंगे, कि आपका जो है दिल्ली का प्रूफ है कि आप वहाँ हो। आउटर रिंग मैदान पार कर गए हैं, ये प्रगति मैदान का जो रेलवे क्रॉसिंग है इसको पार करके आगे एक सीएनजी का स्टेशन आ रहा है। आज मैं आई हूँ पीडब्ल्यूडी की नर्सरी जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, और जो आईटीओ से आश्रम की तरफ जाओ तो उस रोड पे है। ये सीएनजी स्टेशन है और ये इसके साथ ही दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी। ये दिल्ली गवर्नमेंट की 10 एकड़ में फैली नर्सरी है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट मिलते हैं। और ये यहाँ पर टाइमिंग का बोर्ड लगा हुआ है कि आप कितने से कितने बजे तक आकर यहाँ से प्लांट्स ले सकते हैं और किस दिन यहाँ पे छुट्टी रहती है। आप मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब यहाँ पे छुट्टी रहती है और कब आप प्लांट्स लेने आ सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे प्लांट्स हैं। यहाँ पर काफ़ी हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि सदाबहार, लेमन ग्रास, काला बांसा, तुलसी, करी पत्ता, इलायची, अश्वगंधा, पत्थरचूर, पत्थरचट, निरगुंडी, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। और अब भैया ने हमें बोला है कि अपनी गाड़ी आप आगे ले आइए, और यहाँ पर अब इनसे पूछते हैं कि ये कैसे प्लांट्स देते हैं। यहाँ पर काफ़ी फ्रूट्स के प्लांट्स भी हैं, जैसे बेलपत्र, आम, अमरूद, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, काफ़ी सारे फ्रूट्स के प्लांट्स भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंडोर प्लांट्स भी हैं और फ्लावर के भी प्लांट्स हैं। तो अब भैया से बात करते हैं कि क्या क्या प्लांट्स हैं और वो हमें क्या क्या प्लांट्स दे सकते हैं। हाँ दे देंगे, मैंने तो सुना एक आईडी पर 10 है, 10 है तो दो पे 20 हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो सेल्फ आईडी होनी चाहिए, किसी और की नहीं चलेगी। अच्छा, यानी जो यहाँ मौजूद हैं केवल उनकी आईडी चलेगी। चलो इस पे दिखा दे तो चल जाएगी। कविता भाटिया आप हैं? हाँ जी मैं हूँ। हाँ तो ये आपकी सेल्फ होगी। हाँ जी सेल्फ। आप पे दिखा दे। हाँ मोबाइल पे दिखा दो, कोई बात। क्या है, एक आधार कार्ड पे 10 प्लांट? हाँ 10 देते हैं, लेकिन मैंने यही सुना था कि एक फैमिली में दो जनों को नहीं देते। नहीं हम देने लगे, देने लगे। लेकिन सेल्फ आईडी हो, खुद की हो। हाँ। दो मात्र यही दिल्ली वालों आधार कार्ड का मतलब यही है, दिल्ली वालों। मतलब अगर यूपी की आईडी होगी तो नहीं दोगे? नहीं नहीं देंगे। हाँ। यही मोबाइल नंबर यही है। हाँ जी आधार कार्ड आपको यूं ही देख रहे केवल, नहीं तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे पता चलता है कि दूसरों को नहीं देंगे। जैसे इनका तमिलनाडु का था, हमने ऑफिस के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज अगर आधार कार्ड ना हो तो दिल्ली में जॉब कर रहे होंगे तो दे देंगे, कि आपका जो है दिल्ली का प्रूफ है कि आप वहाँ हो। ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा, आप लोग ऑफिस के लिए लेने आए? कुछ भी दिखा दो। नहीं नहीं, मेरे घर के लिए। घर के लिए लेने आए हो? अच्छा, नहीं अगर किसी भी पूरे देश में किसी भी स्टेट का होगा। हाँ। तो हम दिल्ली में भी जॉब कर रहे हैं तो उन्हें दे देंगे हम। अच्छा। उसके आधार पर कि वहाँ पे जो उनका, लेकिन उनको अपना दिल्ली का दिखाना पड़ेगा कि वो दिल्ली रहते हैं। प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो दिल्ली रहते हैं उसके लिए। हाँ दिल्ली का, मतलब आपका दिल्ली का आईडी है? हाँ दिल्ली में वो इतनी सुविधा कर देते हैं बस ज्यादा। और गमले वगैरह नहीं देते है ना? गमले नहीं देते, ये प्लांट्स देते हो। जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आपका आधार कार्ड दिल्ली का है तो ही आपको प्लांट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज ये आपको प्लांट्स नहीं देंगे। आप दिल्ली में रहते हैं तो ही प्लांट्स मिलेंगे। इसे ये सुविधा है ना, हम तो आए थे, हमने सुना था कि यहाँ इंसुलिन का पौधा मिलता है। ये मिल जाएगा तो अपराजिता, अपराजिता चाहिए, अपराजिता की बेल। दिल्ली के आधार कार्ड वालों को ही देते हैं। हाँ ड्रेसिना वगैरह है ना, धूप वाले चल जाएंगे, कम धूप वाले। हाँ जी दे देंगे हम, सत्तर हमारे पास सब प्लांट। हाँ जी पॉट में बड़ा बड़ा है ना, वो पॉट का कोई मतलब नहीं।
बोट में केवल एक आइटम मिलेगा आपको, कड़ी पत्ता अगर अपनी पसंद का बता सकते हो आप। हाँ मैं देखती हूँ, हेल्दी निकाल दूँ ये बढ़िया। इसमें पानी कम से कम देना है यानी हाँ, कोई ऐसी एलो वेरा तो मेरे पास है। हाँ बच्चा ये बड़ा बड़ा प्लांट है जामुन। अच्छा जामुन है ये, लेमन का चाहिए ग्रीन टी हेल्दी सा दे। तो ये भी मेडिसिनल है। टिकोमा पीला फूल दें, टिकोमा दे दो भैया। हाँ टिकोमा चाहिए। जमीन में लगा हुए कहाँ लगा? गमले में। तो कौन से कलर के फूल आएंगे भैया? पीला। पीला पड़ी आपके पास? खाद नहीं देते ना ये सरकारी, ज्यादा लगाते हैं ना। मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर है बड़ा वाला? नहीं नहीं ये करी पत्ता है। हाँ ये आई निम्बोली आई हुई ना। हाँ अच्छा काल जैसा नहीं लग रहा ये। हाँ। नीम जैसा ही होता है ये बड़ा। तो मीठी नीम तो बोलते हैं इसको, मीठा नीम बोलते हैं। हेलो कमल कैक्टस दे दो। कौन से कलर की है भाई साहब? इसमें कौन से कलर के फूल आते हैं? फूल टिकोमा पीले फूल, पीले फूल, पीले फूल आए। ये टिकोमा दे दो, एक दे दो। लेमन ग्रास की नहीं, वो एकदम से अभी बालकनी तो मुझे बहुत छोटा है और वो बिल्कुल रूम से पास नहीं है। सारा टाइम में कॉल कर नहीं नहीं यही दिन के बाद में फेल ले जाना। अच्छा ये दे रहा हूं मैं भी। हां जी ये हेल्दी सा निकाल देना। हां जी हां जी डबल दो दो है इसे। अच्छा हेल्दी सा मुझे भी दीजिए। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, चार मिनट होते हैं। और इसको कैसे किस मिट्टी में लगाना है ये सब बताओगे? इसका कलर क्या है अभी? मैं मुझे भी एक दीजिए। कमल कैक्टस, कमल कैक्टस। ये किस कलर का है? तो ऐसे ही रख दिया तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। अच्छा आपको बहुत अच्छे से जगह जमीन में लगा देते हैं, ऊपर तक ऊपर तक चला जाएगा। बट उसका शेप ऐसे ही रहेगा। कौन सा ले लो? कौन से वाले? एक दिन ये जो आपने लिया था देना। कौन सा भैया? मेरे को दे दिया ना आपने? अरे ये तो वो है यार, छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें यार। वो चाय में पैकेट में आते हैं ना, लेमन ग्रास टी करके, ग्रीन टी। किस चीज का है वैसे? जैसे थोड़ा फैंसी हो जाते हैं जब लगाते हैं। अच्छा सारे मेडिसिनल प्लांट है। एक रेड कनेर दे दो भैया। कमल कैक्टस हिबिस्कस क्या है भैया? हिबिस्कस हिबिस्कस जटरूपा जटरूपा। एक हमें भी दे देना। दे दे मुझे भी। हेल्दी हेल्दी देना भैया। हेल्दी है। लो लो हमें भी दे देना। लो सलाह तुम्हें दे दीजिए। अच्छा इसलिए फोन को लगाया जाएगा। ये नहीं मिल रहा है। ये क्या चीज है भैया? चांदनी। चांदनी चांदनी ले तो ली, डबल चांदनी तुम्हें आ जाओ। नहीं ली नहीं ली। इंसुलिन का पौधा है ये। आपने भी अगर यहाँ से प्लांट्स लेने हो तो मंडे से लेके सैटरडे सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक यहाँ प्लांट्स मिलते हैं, और एवरी संडे छुट्टी होती है और सेकेंड सैटरडे की भी छुट्टी होती है। ये सब प्लांट तो इन्होंने सजावट के लिए रखे हैं, ये नहीं देते। ये मेरठ एक्सप्रेसवे है जो ये देहरादून तक जाएगा? अब नहीं, आगे लग जाएगा देहरादून के लिए, अक्षरधाम से स्टार्ट होगा। अच्छा बन रही है ना? हाँ जी अभी वो बन रही है। इंडिया भी किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अक्षरधाम से ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग विद कविता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।